एक चेक बाउंस का केस था तो उसका मेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे। नेपाल में मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है। खिजाड़ी जी को लेकर फिल्म करते हैं हम लोग, हैं ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। और डेट कैसा मिला खिजाड़ी जी? हाँ, आपको डेट कैसा दिया सर? 16 से फिल्म चल रही है। डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था, 14 के बाद। और की समस्याएं ऐसी हो कि मैं सॉरी मांगता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियाँ थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूँ जीवन में, तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था तो उसका मेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगी। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई, फिर मेरा एक घटना हो गया, नेपाल में मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी चली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था, तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा, तो एक इंसान के तौर पर मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी, तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ, तो मैं कल ही आया बिहार से और आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फर्क है खिजाड़ी जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं हूँ। नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से, और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं, अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जैसे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद, जब उनको पता चली तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हुआ, ठीक तो होना, आपको कुछ नहीं हुआ? हम कि नहीं भैया, मैं कुशल लग इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैं काम किया हूँ, उन लोगों ने, एक दो लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, हाँ अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे अक्षरा, फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले घटना के 10 दिन बाद इन्होंने किया था। एक हफ्ता पहले घटना के, एक हफ्ता पहले किए थे कि नेपाल में घटना के एक हफ्ता बाद कुमा में थे, कुमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे, स्टेज पे ही के ऊपर लाठी चली थी, कहे हमारा दिमाग खराब कर रहे मैं तो दो शब्द बोलना चाहूँगा खिजाड़ी जी के साथ। मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी, हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खिजाड़ी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक एक इतिहास है। उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान की कृपा से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है कि अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर हुई, भगवान कर ही देते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए एक बार खिजाड़ी जी काम शुरू कर दिए ना, सेट आ गए ना, तो काम के प्रति वो आदमी इतना ज्यादा, किसी ने 11 बजे का टाइम दिया, पत्रकार सब 11 बजे पहले आया क्योंकि खिजाड़ी जी का टाइम नहीं तो परफेक्ट बैठा है। पहली बार मैंने 9 में आया, मैं 9 मिनट लेट था। खिजाड़ी जी आप सोते कब हो?